तो दोस्तों बड़े से बड़ा सपना भी पूरा होता है, लेकिन उसके लिए हमें उस सपने को लगातार देखना पड़ता है और लगातार सपने देखने के लिए लगातार सोना पड़ता है। तो भाई सो जाओ लगातार सो जाओ। और 2010 में मैंने एक ऐसा ही बड़ा सपना देखा कि भाई काश मेरे पास मेरा खुद का आईफोन होता। फिर मैंने उस आईफोन को पाने के लिए सालों तक घोर तपस्या की, लेकिन भाई सपने देखना नहीं छोड़ा। वैसे आप लोगों को पता है कि भाई मैं कितना ज्यादा मेहनती हूँ, तो मैं 2010-11 में ही अपना सपना पूरा कर लेता आईफोन लेने का। लेकिन मैंने सोचा कि भाई थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सस्ता हो जाएगा फिर ले लेंगे, तब तक मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा। दोस्तों फाइनली इतने सालों की कठिन मेहनत और तपस्या और लगन के बाद मेरे पास अपना खुद का आईफोन 4S है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है मैंने अपनी मेहनत में थोड़ी सी कमी कर दी। अब ना ही इसमें YouTube चलता है, ना Google Chrome, ना ही कोई ऐप सपोर्ट कर रहा है, ना ही 4G चलता है। 3G की सर्विसेज भी एयरटेल वालों ने यहाँ बंद कर दी। बस बंद क्या आता है, केवल ई, और केवल ई। वैसे आईफोन नाम की भी कोई चीज होती है, ये आपने कब जाना कमेंट में बताना। तो हे दोस्तों आप देखो V4 वीडियोस और यहाँ पे है मेरे पास 10 साल से लेकर 6 साल तक के पुराने आईफोन 2021 में। और आज के सूर्य में मैं आपको बताऊंगा कि भाई मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इन पुराने आईफोन को 2021 में यूज करने का। वैसे सच बताऊं मैंने ये आईफोन 4S पहले कभी नहीं यूज किया, आज पहली बार 2021 में यूज कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास आईफोन 4S है, आईफोन 6 है, आईफोन 6S भी है। तो आज के सूर्य में हम इन सारे आईफोन को थोड़ा बहुत टेस्ट करेंगे और देखेंगे भाई कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या खास बात कुछ बची भी है या नहीं इस साल में, या फिर कुछ लोग 2021 में भी बस शौक के लिए पुराने आईफोन रखना चाहते होंगे कि भाई ये देखो मेरे पास आईफोन 4S है, और या फिर उनका मन होगा कोई पतला पुराना आईफोन रखने का, जैसे कि आईफोन 6 कितने पतले हैं और थोड़ा बहुत काम भी करते हैं इस टाइम भी। तो भाई सबसे पहले इस आईफोन 4S को देखो भाई, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन भाई आज भी इस फ़ोन को हाथ में पकड़ने में अलग ही मज़ा आता है। और कितना मस्त और प्यारा लगता है ये आईफोन 4S, लग रहा है ना एकदम प्यारा यार। सच में क्या डिज़ाइन बना रहा था एप्पल 10 साल पहले भी। तो भाई आईफोन 4S में ईयरफोन के लिए तो गड्ढा है, लेकिन भाई जो चार्जर का गड्ढा है वो इतना बड़ा है कि इसमें नोकिया के पतली पिन वाले 10 से 20 चार्जर यूं ही समा जाए। मतलब क्या यार एप्पल क्या बनाते थे उस टाइम, इतना बड़ा चार्जर। और दोस्तों बात करें डिस्प्ले की, तो भाई उस टाइम भी एप्पल क्या डिस्प्ले बनाता था यार। मतलब आज भी अगर डिस्प्ले फ़ोन देखो तो आपको इसके डिस्प्ले में एक भी कमी नज़र नहीं आएगी, एटलीस्ट इतने पुराने फ़ोन को ध्यान में रखते हुए। और दोस्तों फ़ोन तो 3G है, लेकिन आजकल तो 3G सर्विसेज ही बंद कर दी गई हैं, यानी कि आप इसमें केवल 2G चला पाएंगे, 4G की तो बात ही नहीं। और बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आप इसमें इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना पुराना है, वो ऐप इसमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि YouTube ही ले लो, क्रोम भी नहीं सपोर्ट हो रहा है, फायरफॉक्स है, बहुत सारे ऐप इसमें डाउनलोड ही नहीं हो रहे हैं। तो आपको इसके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यानी कि सफारी का यूज़ करके ही वो हमें चलाना होगा, वो भी वाईफाई से जोड़ के। और दोस्तों बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो भाई क्या ही उम्मीद करें 10 साल पुराना फ़ोन है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसमें सिम डाल के भूल जाते हैं कोई काम ना ले, तो 5-6 दिन निकाल देता है स्टैंड बाई मोड में, और हम लोग प्रॉपर कॉलिंग करें तो भाई एक दिन तक, या फिर कॉलिंग ज़्यादा है तो उससे कम भी। और दोस्तों बात करें आईफोन 6 और 6S की, तो सबसे मस्त चीज़ लगी भाई इन हैंड फील, जो पकड़ने में इनको मज़ा है मुझे नहीं लगता और किसी फ़ोन में आता होगा। इतने पतले हैं और यार कितने हल्के हैं, सच में बहुत ही मस्त लगता है ये एक्सपीरियंस। और प्रीमियम तो बिल्कुल अभी भी लगते हैं ये वाले फ़ोन, आज भी इसमें मैक्सिमम ऐप सपोर्ट करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लगभग सभी सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर 2021 में भी आप लोग बिना किसी दिक्कत के आईफोन 6, आईफोन 6S यूज़ कर सकते हैं, सारे के सारे ऐप इसमें आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करते हैं और अगर उन्हें छोटा और प्रीमियम मोबाइल चाहिए, तो आई थिंक 2021 में भी ये भी काफ़ी सही चीज़ है। जैसे मैंने अपनी मम्मी को आईफोन 6 दे रखा है, उनके पास ये फ़ोन एक दिन पूरा रुक जाता है, उन्हें थोड़ा कॉलिंग होती है और थोड़ा बॉट नेट, लाइक यूट्यूब पे दुनिया भर की रेसिपीज देखना, कभी ये कैसे बनता है, कभी वो कैसे बनता है। और इस तरीके से आईफोन 6 उनके पास आराम से एक दिन चल जाता है बिना किसी दिक्कत के, इवन कभी कभी इससे ज़्यादा भी चला ले जाती हैं। और दोस्तों बाकी का मैंने इन्हें चार्ज करके दोनों फ़ोन को छोड़ दिया था,
कुछ भी नहीं यूज़ किया था, तो आईफोन 6 10 दिन तक चल गया था और आईफोन 6s 12-13 दिन निकाल दिया था, पड़े पड़े खाली, बिल्कुल मैंने यूज़ नहीं किया था। तो इतना पुराने होने के बाद भी मुझे इनका स्टैंड बाई टाइम काफ़ी अच्छा लगा। तो जल्दी से इनका थोड़ा सा बैटरी टेस्ट और थोड़ा सा कैमरा टेस्ट भी देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं तीनों मोबाइल फोन्स में 100% बैटरी है। दोपहर का समय है, अब मिलेंगे शाम को, ठीक है। तो भाई 6 और 6s में लगातार मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी टेस्टिंग करी, वीडियोस लगा के छोड़ दिया, और आप लोग देखना ये बैटरी चार्ट पे। तो सबसे पहले 4s का बैटरी बैकअप देखो, 28% बचा है, और बाकी का यहाँ पर डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। यूज़र्स 2 घंटा के करीब दिखा रहा है, हालांकि इसमें मैंने काफ़ी कम ही यूज़ किया है, लेकिन फिर भी आप लोग जो भी आपके सामने दिख रहा है। और 6 और 6s देखो, ये है 6s में बचा है 25% बैटरी, और लगभग 1.5 घंटे करीब YouTube देखा है, और बाकी आप लोग देख लो, और 2 घंटा 2.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, और 30% बैटरी बची हुई है। और ये 6s है और भाई 50% बैटरी बची हुई है, ओ माय गॉड, और लगभग 1.5 घंटे यूज़ किया है और 2 घंटे 20 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम है। तो भाई इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, जब मैंने केवल एक ही चीज़ जानी कि YouTube ही कॉन्स्टेंट चलाया बिना कुछ छेड़े छाड़े। तो ये अगला दिन है, 20 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं, कल से मोबाइल यूं ही पड़े हैं, आप लोग देख लो, ठीक है। इस मोबाइल को मैंने छोड़ा था 25% पे, और भाई ये अभी भी 25 पे अटका हुआ है, 1% भी बैटरी नहीं गिरी, ओ माई गॉड, आप लोग खुद देख लो ग्राफ में, कल से ये मोबाइल 25 पे ही रुका हुआ है। आईफोन 6 है और ये आईफोन 6s है, अभी अभी 50% जस्ट 49 हुआ है, यानी कल से ये वाला मोबाइल सिर्फ 1% गिरा है, 1% जो गिरा है वो भी अभी गिरा है, देख लो ग्राफ एकदम 50 पे ही बना हुआ है। ये चीज़ सच में शॉकिंग है, इतना पुराना फ़ोन होने के बाद भी इनका स्टैंड बाय टाइम बहुत ही मस्त है, एकदम लाजवाब। तो अभी हम लोग फटाफट फोटो और वीडियो सैंपल देंगे, पहली फोटो और वीडियो होगा आईफोन 4s का, दूसरी होगा आईफोन 6 का, और तीसरी होगा आईफोन 6s का। तो ध्यान रखना मैंने फटाफट लगाया है। तो थर्ड नंबर पे जो भी फोटोज़ और वीडियोस थे वो 6s के थे, और मुझे लगता है भाई इस टाइम पे भी काफ़ी सही क्वालिटी है उनकी। वैसे तो नए आईफोन तो काफ़ी ज़्यादा महंगे, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप लोग ये रिफर्बिश्ड आईफोन भी ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। साथ ही वहाँ पे डील ऑफ द डे भी चल रहा है, जहाँ पे आईफोन 5 6800 की बजाय 6300 में और आईफोन 6 15000 की बजाय 14000 में बिक रहा है। और यही डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगी, जहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिफर्बिश्ड फोन या फिर आपके ऑर्डर से रिलेटेड, तो आपको उनका सलूशन मिलेगा कस्टमर सपोर्ट के द्वारा। तो 2021 में इन फोन्स को लेके आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना, साथ ही भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। काश ये फोन्स मेरे पास पहले आ गए होते, मस्त दिखा रहा मैं पास आईफोन है।